बड़ा मच्छर है भाई। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव मद और दम में डूबी हुई सरकार है। सर, इट वॉज अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर परपेट्रेटिंग वायलेंस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। सर, सर, और इसकी इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सूले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 FIR इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। सर, लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस सर इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स, एंड सर दे आर मोर देन 150 डेथ्स। सर, तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। सर, वी जस्ट रिक्वेस्टेड आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कम टू द हाउस एंड सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, सो दैट वी कुड जस्ट शेयर आवर व्यू पॉइंट्स विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिससे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट, और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सर, क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, इंटरनल सिक्योरिटी इज एट रिस्क नॉट ओनली इन मणिपुर सर, बट ऑल्सो इन मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम सर, एंड हरियाणा सर। एज वी सी द इलेक्शंस आर कमिंग बाय, द डिटेरियरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन एंड द सेंस ऑफ security is deteriorating among the people of this country sir. So the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. Sir, Gaurav ji ne kaha
कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री के बीच में और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच में. सो वी वॉन्ट कि जो चाइना के साथ अनरिजॉल्व इशू है रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री दो साल से सर, सो इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए. एंड सर मौजूदा सरकार इन्फिल्ट्रेशन में बात करती है कि माइग्रेंट्स आ गए हैं सर. सर बट द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज वर्क ऑन द इन्फिल्ट्रेशन बाय कंट्रोलिंग द बॉर्डर्स सर. यह सरकार बॉर्डर्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर. सर आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर. जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, सर आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है सर, सब परेशान है. चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइसेस हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल और केरोसिन के दाम हो, चाहे वो बिजली हो सर. सर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार सर. सर फार्मर्स, हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में सर, फार्मर्स आर हैविंग द वर्स्ट टाइम एवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. सर आप तीन कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, विच हैज नॉट येट मटीरियलाइज सर. सर आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है. तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, मुनाफा जाता कहां पे है सर. सर इतनी महंगाई हो गई है कि सर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है. वो न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज्यादा है सर. अगर वो चाहती है कि दाल रोटी सब्जी पनीर उसकी थाली में हो तो महिला नहीं कर पा रही है सर. सर बीजेपी इज डिस्ट्रॉइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फेडरलिज्म एक्सपोज्ड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सर दे आर डिस्ट्रॉइंग द इंस्टीट्यूशन राइट फ्रॉम ईसी ईडी सीबीआई टू अदर्स. सर दे आर यूजिंग देम एज टूल टू हैरेस द पीपल ऑफ द कंट्री सर. एंड सर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्टर ने तो यहां खड़े थी वो और उन्हें सीधे थ्रेटन किया कि आपके घर भी ईडी भेज देंगे. सर दिस इज अ न्यू लो इन आर डेमोक्रेसी. सर देयर हैज बीन रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. सर बेरोजगारी से युवा परेशान है आज की तारीख में. सर अग्निवीर जैसी योजनाएं जब ये सरकार लेके आती है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आप हमारे नौजवानों को वर्दी तो पहनाएंगे लेकिन 4 साल बाद आप उनकी वर्दी उतारने का भी काम करेंगे. So, as per the Rajya Sabha question reply, almost 1.2. Sir, please, please. Sir, as per the Rajya Sabha questions reply, almost 1.26 lakh positions are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. Similar situation is there in UP police, in the hospitals, in nurses, in ITIs, in PHs. Sees in home guards, in universities and much more sir. Sir, all the government of India schemes have failed and collapsed sir. Be it Skill India, Make in India, Digital India, Swachh Bharat Abhiyan. Sir, Lucknow aake dekhiyega kya Swachh Bharat Abhiyan hai sir. Sir, Banaras ko Kyoto banane ki baat kahi gayi thi sir. Sir, sare jhoote vaade the. Sir, BJP people indulge in the politics of divide, hate and rule. Yes. लोगों में विभाजन करके आप शासन करना चाहते हैं. Sir, the condition of the OBCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government, sir. They feel as if they are the second class citizens, sir. Sir, you gave him so much of time, sir. I beg request, sir. इट इज प्रोपोर्शनेट टाइम, ये अनुपात में होता है. आप प्लीज, नो नो प्लीज, ये समय का जो आवंटन है वो अनुपात में होता है. प्लीज सर,
Sir, the position of OBCs, SCSTs, women, minorities is threatened every day in this government. They feel as if they are the second class citizens. Police has become a tool of harassment, sir. Sir, a family in Uttar Pradesh was burnt alive by the UP police. In Kanpur Dehat, sir. Sir, I would request you and आप रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो आए सर बहुत ही सदन में लोग बहुत कम हैं थैंक यू आएंगे ठीक है सर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर सर टुमारो सर आप कंप्लीट कीजिए ओके सर 1942 में सर 8 अगस्त के दिन ही क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना हुई थी सर सर आज भी 8 अगस्त है एंड सर मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया सर एनी वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू श्री